देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार का एक ऐसा विधायक जो सफेद कोट सफेद पैंट पहनकर निकलता है तो लोग कहते हैं कि देखो रॉबिन हुड आ गया। जी हाँ, बात कर रहे हैं दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की। दरअसल रीतलाल यादव आजकल काफी एक्टिव हैं और अपने क्षेत्र में हर समस्याओं को सुनते भी नजर आ रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन पर भरोसा भी कर चुके हैं, क्योंकि शायद उनके भरोसे की ही बदौलत रीतलाल यादव फिर से विधायक बन गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बाहुबली विधायक की कहानी कि कैसे रीतलाल यादव एक बाहुबली से रॉबिन हुड बन गए। तारीख थी 30 अप्रैल 2003। बिहार के खगौल शहर में भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की दिन दहाड़े हत्या हो गई। वो कार से कहीं जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हत्या का आरोप जिस पर लगा वो आज आरजेडी के विधायक है। अब जब इतनी बात हो चुकी है तो उनका नाम भी जान लीजिए। उनका नाम है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव को बाहुबली कहा जाता है, उन्हें यहाँ डॉन कहकर बुलाया जाता है। बाहुबली हम पहले भी थे, आज भी हैं। उम्मीद करते हैं जनता हमें बना करके आगे भी रहेगी। जिसके पास जनता का मोहब्बत प्यार है वो बाहुबली था, है और उम्मीद करते हैं आगे रहेंगे भी। बाहुबली सबसे इतराज नहीं है आपको? कोई इतराज नहीं। बाहुबली का कुछ और निकाला जाता है कहीं कहीं, किसी किसी ना व्यक्ति को अपना अपना शब्दकोश का कमी होता है, अर्थ का अनर्थ निकालता है। आपको पता होगा कि एक शब्द का अनेकों अर्थ निकलता है, तो अपने अपने व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जिस रूप में जिनको निकालना हो निकाल सकते हैं, उसे हमें कोई इतराज नहीं। रीतलाल का जन्म पटना के कोथवा गांव में हुआ। पटना के दानापुर इलाके में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि दानापुर डिविजन से जितने भी रेलवे टेंडर निकलते थे वो रीतलाल के पास ही जाते थे। रीतलाल को कभी पुलिस नहीं पकड़ सकी। 2010 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रीतलाल ने सरेंडर कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने जेल से ही दानापुर सीट से निर्दलीय पर्चा भरा और उस समय उनके खिलाफ आशा देवी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि रीतलाल हार गए। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की। लालू की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ रही थी। भाजपा ने उनके खिलाफ लालू के ही पुराने साथी राम कृपाल यादव को उतारा था। देश भर में जिन सीटों की चर्चा थी उनमें ये सीट भी थी। रीतलाल भी यहाँ से लड़ने की तैयारी में थे। लालू नहीं चाहते थे कि रीतलाल पाटलिपुत्र सीट से लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि रीतलाल के लड़ने से मीसा की मुश्किल और बढ़ती। कहते हैं कि लालू ने रीतलाल को भरोसा दिलाया कि अगर वो पाटलिपुत्र से नहीं लड़ते तो 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनकी पत्नी को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया जाएगा। रीतलाल ने लालू की बात मान ली। इसका फायदा भी उन्हें हुआ और उन्हें राजद का महासचिव भी बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी मीसा यहां से जीत नहीं सकी। अगले साल जब विधानसभा चुनाव आए तो रीतलाल को आरजेडी से टिकट नहीं मिला। बाद में विधान परिषद से निर्दलीय पर्चा भर दिया। 2016 में वो जीत भी गए। जिस समय रीतलाल जीते उस वक्त वो जेल में ही थे। 25 जनवरी 2020 रीतलाल यादव को 15 दिनों के लिए बेटी की शादी में पेरोल मिली थी। हालांकि शादी के बाद उन्हें 10 फरवरी को फिर से सरेंडर करना पड़ा। रीतलाल यादव साल 2020 के अगस्त महीने में जेल से रिहा हुए और रिहा होते ही रीतलाल यादव ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। प्लानिंग अभी कहीं जाने का नहीं है, प्लानिंग सिर्फ अपना है। हम जनता के बोलत चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र में जा रहे हैं। चुनाव हर हाल में लड़ना है, चुनाव लड़ना है हर हाल में। क्या माहौल लग रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं? तो बेटा के रूप में देख रहा है लोग, भाई के रूप में देख रहा है लोग, आने वाला भविष्य के रूप में देख रहा है लोग। जितने भी समस्या से लोग ग्रसित हैं निदान के रूप में देख रहे हैं लोग। जब 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो दानापुर में रीतलाल यादव ने शानदार जीत हासिल की और अब विधायक रीतलाल यादव लगातार क्षेत्र के लिए काम करते दिख रहे हैं।